केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण, कई योजनाओं का भी किया शिलान्यास, धाम में पूजा अर्चना कर बाबा का किया रुद्राभिषेक। फिर नरम पड़े कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, सिद्धू ने वापस लिया अपना इस्तीफा, चन्नी के सामने रखी शर्त। राज्यों के तेल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने के बाद नई दरें आज से हुई लागू, नोएडा में 95 रुपए तो दिल्ली में 103 रुपए 87 पैसे पर बिक रहा है पेट्रोल। श्रीनगर में SKIMS अस्पताल के पास सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर भागे आतंकी, इलाके को घेर सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। वंदे मातरम, पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे, उनके इस दौरे का लाइव प्रसारण गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा। आपको बता दें तिलकहाल में प्रसारण के लिए किए गए खास इंतजाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत मंदिर परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं लाइव प्रसारण देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही हॉल में पहुंच गए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, इसी के चलते सीएम योगी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। ब्रजधाम में गोवर्धन पूजा का 5 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब गोवर्धन में उमड़ पड़ा है। शुक्रवार को गिरिराज जी की नगरी में पूरे भारतवर्ष से लाखों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा लगाने गोवर्धन पहुंचे, साथ ही विदेशी भक्त भी काफी संख्या में गिरिराज पूजा और अन्नकूट महोत्सव में शामिल होने गोवर्धन आए और सिर के ऊपर 56 भोग की सुंदर टोकरियां सजाकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई। अमेरिका और अन्य देशों से आए श्रद्धालुओं ने अपनी भाषा में गिरिराज की महिमा का गुणगान किया। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से खुद SP देहात श्रीचंद्र ने दाना घाटी मंदिर परिक्रमा मार्ग इत्यादि का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश STF को बड़ी सफलता मिली। बता दें STF ने मोबाइल फोन से भरी गाड़ी सहित लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें लूटे गए मोबाइल की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से 1525 मोबाइल एक गाड़ी भी बरामद हुई। इससे पहले इनके कई साथियों को STF द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज स्पीड रोडवेज की एक बस ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा नई झील थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 71 पर हुए। इस हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। हादसे के फौरन बाद पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख भी जताया। सहारनपुर के गगो तीतरो रोड पर गांव चंदपुर के नजदीक बड़ा हादसा हुआ, जहां 3 बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रोली से टकरा गए, जिससे उनकी मौके पर मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू की। बता दें कि 3 युवक गगो के बताए जा रहे हैं। तो मिला मुझे इनका फोन, तो आता है ये किस्तो है।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। बता दें घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक वाहन आपस से टकरा गए। इस दौरान पलवल जाते समय दनकोर के पेरिफेरल हाईवे पर हादसा हुआ जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स घने कोहरे की वजह से गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रही है। गाजियाबाद में थाना मसूरी इलाके के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नूरपुर चित्तौड़ा डिडवारी के पास धुंध के चलते दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसट कोतवाली क्षेत्र के गांव तालड़ा में दीपावली की रात गांव के ही रहने वाले सतीश ने अपने दोस्त मोहित सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि दोनों दीपावली की रात एक साथ गांव में ही मिठाई बांट रहे थे। घर के ही निकट सतीश ने मोहित की गोली मारकर हत्या की। गंभीर रूप से घायल मोहित गोली लगने के बाद तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा और घटना की जानकारी परिजनों को दी। तभी परिजन घायल मोहित को जानसट CHC लाए जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दीपावली पर घर के इकलौते चिराग की हुई हत्या से परिजनों में कोहराम मचा है। जानसट थाना क्षेत्र में तारला गांव में सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर देखा तो हॉस्पिटल में जो है उसकी डेथ हो गई और पिता ने तहरीर दी है और जानसर थाने पर से मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आगे की विवेचना में बात पूरी तरह से सामने आएगी, स्पष्ट आएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ के गांव रघुनाथपुर में दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब पटाखे जलाने के मामूली विवाद में एक ही समुदाय के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव और फायरिंग की जिसमें एक युवक को गोली लग गई। हालांकि एक पक्ष ने मामले में लड़की छेड़ने का विरोध करने को लेकर मारपीट और फायरिंग की बात कही। घायल युवक को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी नाजुक हालत को देखते हुए गाजियाबाद के लिए रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, मामले की जांच शुरू कर दी। तो गई ही मैं संभाल लेने तो उनके लड़के ने मेरी गर्ल छेड़खानी करी तो मेरे घर के पीछे भगते हुए आए फिर मेरे को मेरा हाथ। लोकेंद्र और नरेश दो व्यक्ति हैं जिनके मध्य पटाखे को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद इनके बीच में मारपीट हुई और किसी व्यक्ति ने इसमें फायर किया जिससे लोकेंद्र घायल हो गया है। लोकेंद्र फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद गाजियाबाद रेफर होंगे हैं जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो इनके बीच में जो विवाद हुआ है उसको लेकर के जो मुख्य आरोपी अब तक प्रकाश में आए हैं उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और दुकान पर जो है सौदा वौदा बेच रहा था, ये कुछ बच्चे जो उधर ये नटों की साइड में जो है ये पटाखे वटाखे चला रहे हैं। मैंने समझा बुझा कर बुझा दिए, बेटी अपने घर चले जाओ भाई। तो उसके बाद में ये जो है आपस में लड़ने लगे और फिर उसके बाद में जो है उससे मुझसे आकर रेपट मारा और मेरे जो है ये देखो ये चोट मारे मेरे ईंट मारी मेरे और ऊपर छतों पर चढ़ गए और फिर फायरिंग करी और ईंट बजाने लग गई। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गाजियाबाद के पटेल नगर का है जहां दिवाली की रात वारदात को अंजाम दिया गया। पटाखों की आवाज के चलते गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी ने जब अपने माता पिता को फोन मिलाया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद पड़ोसियों को फोन कर वारदात का खुलासा हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। 1 बजे पुलिस को सूचना मिली पटेल नगर चौकी क्षेत्र थाना सिहानी गेट में एक मकान में एक वृद्ध दंपत्ति मृत अवस्था में पाए गए हैं। मौके पर पुलिस एवं फील्ड यूनिट पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टया इसमें चोरी एवं लूट की कोई घटना प्रतीत नहीं हो रही है।
मामला रंजिशाना लग रहा है। परिजनों की तहरीर पे 302 का मुकदमा लिख दिया गया है एवं सारे आयामों पे पुलिस विवेचना कर रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करा जाएगा। बदायूं के बिलहरी गांव में अमरूद के बाग में किशोरी का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें, पूरा मामला बदायूं का है, जहां पर अमरूद के बाग में किशोरी का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिलहाल जाँच जारी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल भी 692 पर पहुंच गया है, जिससे प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बुलंदशहर में भी प्रदूषण रेड जोन कैटेगरी में पहुँच गया है। पटाखों पर पाबंदी के बाद भी कोई ज़बरदस्त आशीर्वादी की गई, जिससे हवा खराब हुई और लोगों को आँखों में जलन की शिकायत होने लगी। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कस्बे में मोबाइल शॉप पर देर रात चोरों ने निशाना बनाते हुए कई करोड़ों के मोबाइल चोरी कर ली, जिसके साथ ही दिवाली पर हुई मोबाइलों की बिक्री के रखे पैसे सहित दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी चोर उड़ा कर ले गए। पीड़ित ने जब सुबह दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो उसको इस बात की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जाँच शुरू की। जनपद बदायूं के उपनगर उझानी में बीती रात पटाखे की चिंगारी से घर में आग लग गई। वहीं आग लाखों का रुपए की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें भी देखने को मिली, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं में भीषण आग लगी और घर में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।